हेलो स्टूडेंट्स, सो इट्स इंग्लिश टाइम वंस अगेन एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मॉडल्स. ऑफ़ कोर्स हम सब बहुत फैमिलियर है कि मॉडल्स क्या होते हैं एंड हमने कई बार देखा है तो आज हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि मॉडल्स होते क्या है मॉडल्स आर वर्ड्स विच आर यूज्ड टू ऐड मीनिंग टू अनदर वर्ब मॉडल्स वो वर्ड्स होते हैं जो कि किसी और शब्द में मीनिंग एड करने के लिए किसी अनदर वर्ब के साथ यूज किए जाते हैं ओके okay. और जब हम मॉडल्स को यूज करते हैं सो so जो बेसिक मॉडल्स हम यहां पर यूज करने वाले हैं वो है कैन कुड, मे माइट विल वुड शेल शुड एंड मस्ट देयर आर अदर वर्ड्स आल्सो विच आर यूज्ड एज मॉडल्स एंड दे आर ऑट टू नीड, डेर

मॉडल्स का यूज करना होता है तब हम ये सोचते हैं क्या यहाँ पे कैन आएगा क्या यहाँ पे कुड आएगा हम कई बार इन वर्ड्स में कंफ्यूज हो जाते हैं तो वहां पर हमें मॉडल्स की इंपॉर्टेंस पता पड़ती है कि काश हमने तो मॉडल्स देख लिए होते सो मॉडल्स आर यूज टू एक्सप्रेस मेनी डिफरेंट मीनिंग्स मॉडल्स का जो यूज होता है वो तो बहुत ही अलग अलग तरह के मीनिंग्स के लिए यूज होता है कुछ फॉर्मल मीनिंग्स होते हैं कुछ इनफॉर्मल मीनिंग्स भी होते हैं ओके okay, जैसे कि हम मॉडल्स का यूज एडवाइस देने के लिए भी करते हैं आई थिंक जॉब मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें जॉब ले लेनी चाहिए यहां पर जो शुड है वो हम किसी को एडवाइस कर रहे हैं आई थिंक यू शुड विजिट अ डॉक्टर ओके मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए सो so बेसिकली हम जब किसी को कोई सलाह देते हैं कोई एडवाइस देते हैं तब हम शुड का यूज करते हैं लाइक आस्किंग फॉर परमिशन अब परमिशन लेने के लिए हम क्या बोलते हैं सबसे कॉमन परमिशन जो हम इन स्कूल में भी लेते हैं मे आई कम इन मैम मे आई गो टू वॉशरूम मैम सो यहां पर जो मे है मे आई टेक दिस सीट एक बहुत ही पोलाइट सी रिक्वेस्ट है जो कि हम किसी से भी करेंगे एक फॉर्मल रिक्वेस्ट ये इनफॉर्मल अगर मैं यहां पर ये बोलू कैन आई टेक योर पेन तो ये तो मैं अपने दोस्त से बोल रही हूं यार मुझे वो पेन दे दो सो so, अगर मैं किसी से रिक्वेस्ट कर रही हूं अपनी मैम से या किसी भी अपने कलीग से सो आई वुड से मे आई टेक दिस सीट ओके नेक्स्ट कम्स पॉसिबिलिटी सो so, वी could डू इट बाय फ्राइडे इफ यू वॉन्टेड जहां पर कोई पॉसिबिलिटी है हम ये काम फ्राइडे तक कर सकते हैं अगर तुम चाहो तो ओके okay. सो so, यहां पर क्या पता पड़ रहा है हमें कि एक पॉसिबल कंडीशन है कि ऐसा हो सकता है लाइक वी कुड डू इट बाय फ्राइडे इफ यू वॉन्टेड नेक्स्ट इज ऑब्लिगेशन डैड सेज आई हैव टू प्रैक्टिस इफ आई वॉन्ट टू गेट ऑन द टीम सेट सॉल क्या बोला सॉल के पापा ने कि आई हैव टू प्रैक्टिस मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अगर मुझे टीम में सिलेक्ट होना है तो अगर हम ऑब्लिगेशन की बात करें सो ऑब्लिगेशन इज समथिंग यू फील यू हैव टू डू इट यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम्स वेल इफ यू वॉन्ट टू हैव गुड ग्रेड्स ओके इफ यू हैव टू स्कोर गुड ग्रेड्स देन वी हैव टू प्रिपेयर फॉर आर एग्जाम्स वेल लाइक राइट नाउ यू ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स सो इट्स अब्लिगेशन दैट अगर हमें ये चीज चाहिए तो ये चीज करनी पड़ेगी ओके योर ड्यूटी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू परफॉर्म दिस टास्क हम कई बार सेंटेंसेस में कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस टाइप का सेंटेंस है वहां पर आप ये सोच सकते हो जब हमें हैव टू कब यूज करना है अगर वो सेंटेंस किसी ऑब्लिगेशन में आ रहा है तो चलिए आगे देखते हैं हाउ आर मॉडल्स यूज मॉडल्स कैसे यूज होते हैं ऑल मॉडल्स कैन रिफर टू प्रेजेंट एंड फ्यूचर टाइम सिर्फ ऐसे कुछ मॉडल्स होते हैं जो कि पास्ट को भी रिफर करते हैं ठीक है बोल ऑफ नूडल्स फॉर ट्वेंटी सेंट जब मैं स्कूल में था तब जो नूडल्स का बॉल है वो हमें बीस सेंट में मिल जाता था आई डो नॉट थिंक यू कैन स्टिल डू सो नाउ मुझे नहीं लगता कि अभी तुम्हें वो वही सेम नूडल्स का जो बॉल है वो तुम्हें 20 सेंट्स में मिलता होगा सो so नाउ हमें यहां पर ये तो पता है कि जो फर्स्ट सेंटेंस है वो पास्ट में है सो गुड रेफर्स टू पास्ट टाइम ऑफ कोर्स क्योंकि मैं पुराने टाइम की बात कर रहा हूं या कर रही हूं ओके okay. और सेम चीज अप्लाई होती है कि वो मैं अभी नहीं कर सकता सो so, यहां पर हम ये बोल सकते हैं गुड पास्ट के लिए यूज हुआ है और कैन प्रेजेंट के लिए यूज है। एक और सेंटेंस देखते हैं स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन द कंप्यूटर कोर्स विल नीड टू ब्रिंग यूज करा है so कि विल शेल कोर्स हम फ्यूचर के लिए यूज करते हैं सो स्टूडेंट्स हु बच्चों ने कंप्यूटर कोर्स में एनरोल किया है उन्हें क्या करना है विल नीड टू ब्रिंग देयर ओन लैपटॉप उन्हें खुद के लैपटॉप लेकर आने हैं नेक्स्ट वीक तक अब हम यहां पर देखते हैं वाइम वुड तो अब जैसे विल तो फ्यूचर के लिए हुआ तो वुड किस के लिए हम यूज करेंगे ऐसा कौन सा टाइम है पास्ट के लिए प्रेजेंट के लिए या फ्यूचर के लिए तो यह भी देख लेते हैं सो so, जो वुड है वो हम पास्ट के लिए यूज करेंगे जैसे कैन के लिए कुड होता है शेल के लिए शुड होता है वैसे विल के लिए वुड होता है So, यहां पर एक मॉडल्स का चार्ट है आपके सामने जिसमें मैंने कोशिश करी है कि मैं आपको यह बता पाऊं कि किन चीज किस पर्पज से किस मॉडल का क्या मतलब होता है और आप उन्हें कहां पर और कैसे यूज कर सकते हो आई होप दैट दिस विल हेल्प यू आउट इन योर एग्जामिनेशन कैन कुड किस लिए यूज होते हैं टू एक्सप्रेस एबिलिटी एबिलिटी कैसे आई कैन स्पीक अ लिटिल रशियन ये मेरी एबिलिटी बता रहा है मेरे को थोड़ी रशियन बोलना आती है ज्यादा नहीं बट थोड़ी ओके नेक्स्ट इज रूबी कुड सी इट फ्रॉम हर बेडरूम विंडो रूबी को अपने बेडरूम की विंडो से वो चीज दिखाई दे रही है सो so, ये भी एक एबिलिटी है कि अगर कोई चीज डिस्टेंस पर है और अगर हमें वो दिखाई दे रही है सो बेसिकली कैन और कुड किस लिए यूज होते हैं एबिलिटी के लिए सो so, जब भी आप कोई सेंटेंस पढ़ो अगर आपको लग रहा है कि वो एक पर्सन की एबिलिटी बता रहा है या अगर आप कोई सेंटेंस लिख रहे हो या फ्रेम कर रहे हो और आपका सेंटेंस फॉर्मेशन किसी की एबिलिटी की तरफ आपको डायरेक्शन दे रहा है सो तो आपको वहां पे किस वर्ड का यूज करना है कैन और कुड का अगर अब मैं कैन की बात करूं तो कैन को हम परमिशन लेने के लिए भी यूज करते हैं वो कैसे कैन आई ओपन द विंडो बट ये एक बहुत ही इनफॉर्मल सी परमिशन है दिस इज नॉट अ फॉर्मल परमिशन दिस इज अ वेरी इनफॉर्मल परमिशन कैन आई ओपन द विंडो क्या मैं वो विंडो खोल सकता हूं ओके okay. अगर मैं यहां पर यही बात कहूं कैन आई कम इन सो दैट अ वेरी इनफॉर्मल काइंड ऑफ परमिशन नेक्स्ट कम्स माइट माइट को हम किस लिए यूज करते हैं पॉसिबिलिटी बताने के लिए आई रैकन इट माइट बी मिस्टर बकली सेट स्लोली अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि ऐसा कर सकते हैं ये पॉसिबिलिटी है इट माई टुडे टूडे हो सकता है ठीक है मे टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी अब मे भी पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है इट मे बी होम लेट मैं शायद आज घर लेट आऊं बट इट्स नॉट कंफर्म ये एक तरह की पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो सकता है पर क्या आपको पता है कि मे भी परमिशन के लिए यूज होता है अब आप कहोगे कि मैम आपने कहा था कैन परमिशन के लिए यूज होता है मे कैसे यूज हो रहा है सो so, जो कैन है वो एक इनफॉर्मल वे ऑफ टेकिंग परमिशन है और जो मे है वो एक बहुत ही फॉर्मल तरीका है जैसे हम अगर, अगर अपने किसी कलीग से बात कर रहे हैं अगर हम अपनी मैम से बात कर रहे हैं सो so ऑफकोर्स आप ऐसे ही पूछोगे मैम मे आई कम इन मे आई गो टू वॉशरूम सो आप ऐसे सेंटेंसेस का यूज करोगे पर अगर आप अपने दोस्त से बात करोगे सो so आप क्या बोलोगे कैन आई ओपन द विंडो कैन यू गिव मी योर पेन क्या तुम तो मुझे अपना पेन दोगे तब आप वहां पर फॉर्मल होके बात नहीं करोगे सो so, जो मे है वो भी परमिशन के लिए लाइक मे आई सिट डाउन प्लीज वो एक बहुत ही बेसिक फॉर्मल रिक्वेस्ट है कि क्या मैं बैठ सकता हूं नेक्स्ट मस्ट मस्ट भी एक तरह का ऑब्लिगेशन होता है अभी हमने देखा था ऑब्लीगेशन में हमने हैव हाँ टू का भी यूज किया था कि अगर मुझे ये काम करना है इफ आई हैव टू डू दिस तो मुझे उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी वैसे ही मस्ट भी एक ऑब्लिगेशन ही होता है ठीक है यू मस्ट डू दिस ओके लाइक इफ यू वॉन्ट इफ यू वॉन्ट गुड ग्रेट देन यू हैव यू मस्ट डू दिस और यू हैव टू डू दिस सो बेसिकली बोथ द वर्ड आर यूज फॉर ऑब्लिगेशन तो जब भी आप कोई सेंटेंस फ्रेम करोगे या अगर इवन इफ इन लिटरेचर ऑल्सो इफ यू आर फ्रेमिंग एनी आंसर देन कीप इन माइंड कि आपका वो जो सेंटेंस है वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं क्या वो एक ऑब्लिगेशन है या फिर वो एक परमिशन है सो so, आपको वहां पे इन मॉडल वर्ब्स का यूज कैसे करना है ओके नेक्स्ट इज अगेन मस्ट अब जो मस्ट है वो स्ट्रॉन्ग बिलीफ के लिए भी यूज होता है स्ट्रॉन्ग बिलीफ के लिए कैसे यूज होता है शी मस्ट बी ओवर नाइन्टी ईयर ओल्ड ये, एक मेरा, ये एक मेरा बहुत ही अच्छा बिलीफ है कि जो ये है द लेडी इज नाइंटी ईयर ओल्ड मतलब ये स्ट्रांग बिलीफ है अंदाजा नहीं है कि हाँ ये एट्टी की होंगी ये नाइनटी की होगी नो no. ये मेरा एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बिलीफ है दैट दैट पर्टिकुलर लेडी इज नाइनटी ईयर्स ओल्ड ये मुझे पता है ओके दैट इज योर स्ट्रांग बिलीफ नेक्स्ट इज शुड अब शुड मैंने आपको बताया था कि शैल शुड शुड जो होता है वो पास्ट के लिए यूज होता है टू गिव एडवाइस हमने दी थी हमने इससे पहले भी एक एग्जाम्पल देखा था शुड का यू शुड स्टॉप स्मोकिंग मेरा ये मानना है तुम्हें स्मोक करना बंद कर देना चाहिए ये मेरा मानना है ये मेरी एक एडवाइस है अब वो सामने वाला माने ना माने दैट इज अ डिफरेंट थिंग बट हम जब भी किसी को कोई एडवाइस देते हैं सो so हम ऐसे ही बोलते हैं यू शुड स्टॉप स्मोकिंग नेक्स्ट वुड टू रिक्वेस्ट और ऑफर हम वुड का यूज कब करते हैं किसी भी चीज के लिए रिक्वेस्ट करने के लिए या कोई चीज ऑफर करने के लिए लाइक फॉर एग्जाम्पल वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी हम ऐसे ही पूछेंगे क्या आप एक कप चाय लेंगे हम किसी को ऑफर करेंगे सो ऑफ कोर्स यही बोलेंगे सो दिस इज बेसिकली अ वेरी पोलाइट अगेन अ फॉर्मल ओके दिस इज नॉट इनफॉर्मल हम किसी को भी जब कोई चीज सर्व करते हैं या हमारे घर पे कोई गेस्ट ही आते हैं हम ये तो नहीं बोलेंगे आपको लेना है तो लो कोर्स हम यही बोलेंगे वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी नेक्स्ट अगेन वुड इन if sentences अगर कोई सेंटेंस इफ से है सो so वहां पर भी वुड का यूज करते हैं। इफ आई वर यू आई वुड से सॉरी अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं माफी मांग लेता ओके दिस इज अगेन अ वेरी पोलाइट थिंग वी आर सजेस्टिंग आवर फ्रेंड कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हें सॉरी बोल देना चाहिए था अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं सॉरी बोल देता सो so, वुड अगर कोई भी इफ सेंटेंस है अगर आप कोई भी सेंटेंस या आप अगर कोई सेंटेंस इफ से बना रहे हो सो कीप इन माइंड कि आपको तब क्या करना है इफ आई वर यू आई वुड से सॉरी ओके नाउ लेट्स मूव अड हाउ आर मॉडल यूज हम ये चीज आई गेस शुरू से डिस्कस करते आ रहे हैं अभी तक तो आपको ही पता होगा प्रेजेंट में क्या होता है कैन सो फास्ट में क्या हो जाएगा गुड विल किस में बदल जाएगा वुड में मे विल चेंज टू माइट और शैल किस में चेंज होगा शुड में ओके okay? यहां तक तो हमें क्लियर ही है अब हम आगे देख लेते हैं आगे यहां पर है लेस पोलाइट और मोर पोलाइट हमने यह भी डिस्कस कर लिया सो लेस पोलाइट में हम क्या करेंगे कैन यू गेट मी अ ग्लास ऑफ वॉटर प्लीज ये क्या है थोड़ी इनफॉर्मल परमिशन है मुझे एक गिलास पानी लाकर दो या फिर मे आई गेट अ ग्लास ऑफ वॉटर यह क्या हो जाएगी फॉर्मल मैंने आपसे कहा ही था अगर हम किसी बड़े से बात कर रहे हैं तो हम मे लगाएंगे बट अगर हम अपने फ्रेंड्स से बात कर रहे हैं या अपनी उम्र के किसी पर्सन से बात कर रहे हैं तो हम कैन का यूज कर सकते हैं वेरी इनफॉर्मल काइंड ऑफ परमिशन नेक्स्ट इज लेस पोलाइट में और क्या आता है विल विल यू माइंड हेल्पिंग मी रिटर्न द बुक टू जैसन क्या तुम मेरी मदद करोगे जैसन को बुक लौटाने में सो so, यहां पर एक फॉर्मल काइंड ऑफ परमिशन है इन मतलब बेसिकली इनफॉर्मल इसलिए बिकॉज हम किसी को बोल रहे हैं कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे ठीक है वी आर नॉट रिक्वेस्टिंग हम अपने फ्रेंड से रिक्वेस्ट नहीं करते हैं. हम सीधा बोलते हैं, चलो ओके okay. अब यहां पे मोर पोलाइट में क्या हो सकता है इससे भी ज्यादा कुछ और पोलाइट हो सकता है ऑफ कोर्स कुड यू गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज सो ये जो है ये बहुत ही फॉर्मल और लेस डायरेक्ट काइंड ऑफ परमिशन है हम इसे मोर पोलाइट भी बोलते हैं फॉर्मल भी बोलते हैं और लेस डायरेक्ट भी बोलते हैं अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो है वुड वुड यू माइंड हेल्पिंग मी रिटर्न द बुक टू जैसन हमने दोनों ही तरह के सेंटेंसेस देखे और हमें दोनों ही सेंटेंसेस में क्या समझ आया कि हमें कैसे इनफॉर्मल परमिशन लेनी है और कैसे फॉर्मल परमिशन लेनी है अब हम कुछ प्रैक्टिस कर लें कि आपको कितना और क्या समझ में आया सो so, कुछ सेंटेंसेस हैं जो मैं आपके साथ में यहां पे डिस्कस करूंगी लेट्स सी फिल इन द ब्लैंक्स विथ कैन मे मस्ट एंड विल ओके आपको क्विकली फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं अब यहां पर जब आपके एग्जाम्स होते हैं सो so यहां पर वैसे आपको ब्रैकेट में फोर ऑप्शन दिए जाएंगे <coughs> और उसके साथ में यह लिखा जाएगा कि आपको परमिशन है ये सेंटेंस पर्टिकुलर सेंटेंस में परमिशन ले रहे हो ऑर्डर है या वो सेंटेंस किस टाइप का है सो फर्स्ट सेंटेंस इज वेकअप टॉम इट्स टाइम टू गेट रेडी फॉर स्कूल पहले मैं आप लोगों के लिए सेंटेंस पढ़ देती हूं फिर हम इसके आंसर्स डिस्कस करेंगे तब तक आप भी सोचोगे क्या हो सकते हैं सो आई स्कूल ब्ला मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए मैं आज स्कूल नहीं जा रहा हूं इसमें क्या आ सकता है यू डोंट फील फीवरिश यू फिलिंग द ब्लैंक्स गो टू स्कूल एंड इस सेंटेंस के लिए नेक्स्ट इज हम्म हॉट टाल डैश हेल्प गिव मी फीवरिश सो यहां पर क्या आएगा ब्रेकफास्ट इज रेडी हरी फॉर हरी और यू और बी लेट अब आपको इन सबके मॉडल सोचने हैं और इन्हें जल्दी से मुझे बताना है so, सो लेट्स डिस्कस मैं उम्मीद कर रही हूं कि आपने ये सॉल्व कर लिया होगा सो वेकअप टॉम इट्स टाइम टू गेट रेडी फॉर स्कूल आई डोंट फील वेल अब यहां पर वो क्या कह रहा है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए मैं आज स्कूल नहीं जा रहा हूं कैन आई नॉट गो टू स्कूल ये एक बहुत ही इनफॉर्मल काइंड ऑफ परमिशन है ये कोई फॉर्मल परमिशन नहीं है जब हमें अपनी मम्मा पापा से बोलना होता है कि आज हमें अच्छा नहीं लग रहा है हम आज स्कूल नहीं जाएंगे तब हम ये नहीं बोलते मे आई नॉट गो टू स्कूल हम ऑफकोर्स ये नहीं बोलेंगे हम क्या बोलेंगे कैन आई नॉट गो टू स्कूल टूडे नेक्स्ट इज यू डोंट फील फीवरिश यू मस्ट गो टू स्कूल तब हमारी मम्मी क्या कहती है मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें फीवर है सो so, तुम्हें स्कूल जाना ही चाहिए ये एक ऑब्लिगेशन हो गई ठीक है मस्ट और हैव टू हम ये दोनों ही वर्ड्स यूज कर सकते हैं जब केस ऑब्लिगेशन का हो तब नेक्स्ट इज हम अ हॉट टाल डैश हेल्प गिव मी अ टेम्पररी फीवर फिर हम क्या सोचते हैं कि हमें कैसे हम कैसे उस चीज को रियल बनाएं ताकि हमें छुट्टी लेने का मौका मिले सो so, वहां पर आप क्या कर रहे हो एक अपने ही आपको सजेशन दे रहे हो अपने ही आपको एडवाइस दे रहे हो दैट कि मुझे शायद एक जो गरम टॉवल है वो मुझे फीवर फील भी करवाएगा और सामने वाले को भी लगेगा कि मुझे फीवर है सो so, कहां पर हम कौन से दो मॉडल वर्ब्स का यूज कर सकते हैं शुड और मे ओके शुड हेल्प मी शुड गिव मी अ टेम्पररी फीवर ओके नेक्स्ट इज ब्रेकफास्ट इज रेडी हरी और यू डैश बी लेट ब्रेकफास्ट तैयार है जल्दी करो वरना तुम लेट हो जाओगे सो so, ये अभी ब्रेकफास्ट तैयार है सो so, ये हमें क्या प्रिडिक्ट कर रहा है कि फ्यूचर का सेंटेंस है तो so, हम यहां क्या यूज करेंगे और यू विल बी लेट तुम लेट हो जाओगे कमिंग सॉफ्टली आई डैश हैव अ बेटर चांस विद डैड यहां पर सॉफ्टली क्या इंडिकेट कर रहा है कि हम एक फॉर्मल काइंड ऑफ परमिशन ले रहे हैं सो फॉर्मल काइंड के लिए हम क्या यूज करेंगे मे और माइट हैव अ बेटर चांस विद डैड यानी कि आप अपने पापा या मम्मी के साथ में कुछ फन लविंग एक्टिविटी करने जा रहे हो और आप क्या बोल रहे हो आई मे हैव अ बेटर चांस सो ये एक बहुत ही फॉर्मल सा सेंटेंस है वेर यू आर यूजिंग इट सॉफ्टली ओके सो यस दिस वॉज इट थैंक यू सो मच एंड आई होप दैट दिस विल हेल्प यू आउट थैंक यू हैव अस डे